हाय गाइज, अपनी हर बड़ी एक्सक्लूसिव खबरों के लिए ए टू जेड न्यूज लाइव चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। क्या नाम है आपका? रंजन साहब। एक थाना में केस किए हैं, क्या है मामला? थाना में केस किए हैं, जो हमारा पत्नी के ले गया भगा के, इसलिए। कौन ले गया है? भविष्य सहनी। क्या है यहाँ का? अच्छा, कब की घटना है? 13 तारीख। कैसे ले गया उसको? हम इससे पहले बोल दिए थे कि दूरा पर नहीं आने के लिए, तभी बलजोरी आके कहता है उठा के ले जाएंगे, तुमको पामर है तो क्षमता है, लगा के हमको दिखाओ, हम ले जाएंगे उठा के। तो काहे ले गया? जबरदस्ती उठा के ले गया है? बलजोरी ले गया है, कहने के बाद कह भी दिए, तभी भी वही काम किया है। थाना में केस किए हैं क्या? थाना में केस किए हैं। क्या सब लिखे हैं उसमें? उसमें लिखे हैं 80,000 रुपया कैश है, और गहना है 40,000। अच्छा। और कपड़ा लगता है, माने कीमती माने कपड़ा लगता है, और किडनैपिंग करने के हमको धमकी भी दे रहा है। क्या विरोध कर रहे हैं इसलिए? हाँ, विरोध कर रहे हैं कि तुमको उठवा के या गुंडा बैठवा के तुमको अभी पत्नी के ले गए, तुमको भी उठवाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा है? कि हम केस किए इसलिए कर रहा है। उसके पास बाल बच्चे हैं क्या? बाल बच्चा है उसको, 3 गो। और आपके पास जो महिला भागी उसके कितने बच्चे हैं? 5। ये जो आपके साथ दिख रहा है सब वही है क्या? जी। अच्छा, महिला से बात हो रही है आपकी, आपकी जो पत्नी उससे बात हो रही है? महिला से बात हो रही है, वो बोल रहा है कि हमको तबीयत खराब है, फिर भी फुसला के ले गया है, बोला है कि रुपया पैसा चलो जमीन किन देंगे, तुमको पैसा ले लो, चलो बाजार में जमीन किन देंगे, कि पैसा ले लो और जमीन किन देंगे बाजार में, बाजार में रहना तू। ये महिला को कहाँ पर रखी हुई है आपकी पत्नी को, सो पता है? फोन पर बात हुई है? बात हुआ है, लेकिन हमको जगह का नाम नहीं बतला रहा है। और उस आदमी से बात हुआ है जो वार्ड सदस्य भागा के लिए? उसको से भी बात हो रहा है, वो कहा तुमको कितना पामर है, वो पामर लगा लो, तुमको भी उठवाएंगे, अभी तो तुमको पत्निये के रखे हैं और तुमको भी उठवाएंगे, 2-3 दिन के अंदर में तुमको बल उठवा देंगे। थाना में केस किए हैं तो क्या बोले हैं? थाना प्रभारी तो कहता है हमको इंक्वायरी करो, तू बतलाओ खोज के कि कहाँ पर है से, तब हम। मम्मी कहाँ गई पता है तुमको? कहाँ चली गई, कै दिन से गायब है? 7 दिन से। तुमको फोन ओन नहीं किया? मम्मी को बुलाना चाहते हो? हाँ। क्या कहना चाहते हो? आने के लिए घर। क्या नाम है छोटी? मम्मी कहाँ चले गए सब पता है? बता के गई? कई दिन से नहीं है मम्मी? 7 दिन से। अचानक गायब हो गए? मम्मी को बुलाना चाहते हो? मम्मी की याद आती है? क्या कहना चाहते हो? मम्मी बहुत मानती थी, फोन नहीं कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार पासवान, पूर्व सरपंच है। कि जो महिला के भगाने का मामला है, वार्ड सदस्य पर आरोप है, क्या मामला बताइए तो? ये तो उसको बहुत पहले से ही चल रहा है, 2-3 महिला को पहले भी लेके भगा के ले गई है, दिल्ली पंजाब कहीं कहीं ले जाके उससे काम करवाता है, किसी से शारीरिक काम करवाता है, किसी से मजदूरी करवा के पैसा वो खाता है, उसका वही बिजनेस है। ये बराबर ये कुछ न कुछ करते रहता है? बराबर बराबर महिला सबको, जिसको देखता है कि कुछ पैसा कौड़ी है उसी को ठग के ले जाता है। देह व्यापार का धंधा भी करवाता है? देह व्यापार का भी धंधा करवाता है। और ये वार्ड सदस्य है, आप लोग ये विरोध नहीं करते हैं इसका? विरोध करते हैं तो बराबर कहता है कि रेप केस करवा देंगे, उसके साथ एक दो महिला को पटा के रखता है, और एक दो बार हम पर भी रेप केस करवाया है, वो अभी भी एक महिला को जो ले गई थी उससे भी केस करवाया हुआ है, जो अभी कोर्ट में लंबित चल रहा है। ये महिला को भगा के कहाँ रखे हुए सो पता है? ये पता नहीं चल रहा है हम लोग को जो कहाँ रखे हुआ है। आप लोग समाज की तरफ से विरोध नहीं करते हैं? विरोध करते हैं ना, तो बराबर सबको धमकी देता है कि केस कर देंगे, केस करा के जेल भेजवा देंगे। अब तक कितने महिलाओं को ले जा चुका? ये 4th महिला है। प्रशासन में केस गया है क्या मामला? प्रशासन में सबका गया, लेकिन प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं लेता। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शंभू साहब हुआ, वर्तमान मुखिया
जी भी है, पंचायत भगाओ हुआ। आपके पंचायत में एक वार्ड सदस्य द्वारा एक महिला को भगा ले जाने का मामला सामने आया। जी हाँ, क्या मामला है, रियलिटी क्या मामला है? जो हमको जब मालूम हुआ तब यहाँ आए तो मालूम जानकारी मिला रंजन शाह से, जो मेरे पत्नी के साथ जो है से इसी तरह की बात ना है, इस पर जो है से आप कुछ मदद कीजिए। तो मदद जो है से हम इनको समझाए कहें जो इससे पहले भी बार बार वो वार्ड के अध्यक्ष से हर परिवार में जा करके धमका करके किसी मतलब मैंने से इंदिरा आवास के नाम पर तो वृद्धा पेंशन के नाम पर पैसा लेने का काम करता था। तो आप लोग को हम बार बार समझाते थे जी उससे सावधान सब आदमी रहो, तो रहना पसंद नहीं करता था। आज बतलाओ जी इस ढंग का घटना हुआ और इससे पहले भी घटना हो चुका था तू लोग को समाज में, अब वही व्यक्ति करने वाला है। आप पंचायत के मुखिया इसका विरोध नहीं किए कभी और उस पर आरोप लग रहा है कि विरोध मैं बार बार किया, बार बार करने के बाद इधर उधर उनके सामने में मेरा भद्दी भद्दी गालियां भी देता था, फिर भी उस गालियां को हम बर्दाश्त करते चलिए हम अपना कान से नहीं सुने और किसी जनता को उपकार के लिए अगर गाली भी सुनना पड़ता किसी से तो मैंने बर्दाश्त किया और काम किया। वार्ड सदस्य के बारे में कहा जाता है कि बराबर महिलाओं को ले जाता है। जी हाँ, ऐसा शिकायत है। इसके प्रति प्रशासन के वरीय अधिकारियों से शिकायत नहीं किए आप लोग? मैंने किया है, प्रशासन ने अभी तक 13 तारीख की घटना आई है, 14 को घटना के बाद जो है से प्रीता पहुंचा है थाना में, प्रभारी अब क्या कहा नहीं कहा उनसे हम पूछे तो कहे जे कि ठीक है हम इस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन अभी तक 7 दिन के अंदर में कोई भी किसी भी प्रकार का हम कार्रवाई नहीं देख रहे हैं। आप लोग क्या स्टेप ले रहे हैं इस मामले में? इसमें स्टेप तो हम ले रहे हैं जो इसको जड़ से ही मिटाने का, और एक आध बार का कांड रहा था तो चल भाई पंचायत द्वारा समझौता किया जा सकता था, लेकिन बार बार का ये कांड है और जे भी महिला के साथ ले जाता है सब महिला के साथ जो है से दुर्व्यवहार के शिकार बनाकर रखता है, उसको गलत संबंध बनाकर रखता है, उसे काम करवाता है, उसके बाद मारपीट करके उसको घर छोड़ देता है। वरीय अधिकारियों से भी मिलेंगे क्या इस मामले में? एकदम मिलेंगे, अगर यहाँ से अगर नहीं होता है तो SP साहब यहाँ जाएंगे, उससे भी नहीं होगा तब उससे आगे भी पहुँचेंगे। मम्मी की याद आती है? क्या कहना चाहते हैं? मम्मी बहुत मानती थी, फोन नहीं कर रही है। हेलो दोस्तों, गांव से शहर तक की हर बड़ी व एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप अपने पसंदीदा चैनल A to Z News Live.com लाइक शेयर एंड फॉलो करें।